हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम अ फादर ऑफ अ वंडरफुल सन, हस्बैंड ऑफ अ केयरिंग वुमन। आई एम इनटू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 26 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन है विहांग लाइफ हब बाय विहांग ग्रुप एट केसर वडावली, थाने गोरबंदर रोड। तो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, ये एलिवेशन है बिल्डिंग का, विहांग लाइफ हब एट केसर वडावली, थाने गोरबंदर रोड। इट्स डेवलप्ड बाय विहांग ग्रुप, और विहांग ग्रुप का यहाँ पर काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल है, करीबन 100 एकड़ का लैंड पार्सल होगा। और ये जो क्लस्टर जो बन रहा है, इसका नाम लाइफ हब रखा गया है, जो कि ये फेज 3 है। विहांग वैली में ये फेज 3 है, जिसका नाम रखा गया है लाइफ हब। तो लाइफ हब जो बिल्डिंग है, ये काफ़ी स्लीक टावर है और ये करीबन 1 एकड़ लैंड पार्सल में बन रहा है, जिसमें नीचे आप देखेंगे यहाँ पर कुछ कमर्शियल जोन दिया गया है, क्योंकि ये बिल्डिंग बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है। तो यहाँ पर कुछ कमर्शियल रिटेल प्लाजा दिया गया है। 2 लेवल का इसमें पोडियम पार्किंग होगा, उसके बाद 40 हैबिटेबल फ्लोर्स होगा, और पूरे बिल्डिंग में ये एक ही विंग है। इसमें बेसिकली एक ही विंग है, जिसमें 4 फ्लैट यहाँ पर आता है और 4 फ्लैट अदर साइड ऑफ द बिल्डिंग में आता है, जिसमें टोटल 8 फ्लैट है हर एक फ्लोर के ऊपर। लेकिन 4 फ्लैट को यहाँ दिया, इस कॉर्नर में दिया गया है, और सिर्फ एक पैसेज कनेक्ट किया है दूसरे साइड में, जो कि 4 फ्लैट इस कॉर्नर में आता है। पर बेसिकली अगर देखने गए तो विंग एक ही है, पैसेज टू पैसेज इज कनेक्टेड। तो जो बिल्डिंग का जो नंबर्स भी दिया गया है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर्स दिया गया है। तो दैट मींस हर एक फ्लोर के ऊपर इस बिल्डिंग में 8 फ्लैट है, विद कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2 BHK फ्लैट्स। तो काफ़ी एलिगेंट लुक है बिल्डिंग का, बिल्डिंग काफ़ी स्लीक टावर है, और बिल्डिंग का लुक भी आप देखेंगे काफ़ी एलिगेंट लुक है, विद वंडरफुल कलर कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, लाइफ हब में आप जब गोरबंदर रोड पर रहते हो केसर वड़ावली में, तो यहाँ से आप बाय रोड, बाय मेट्रो, या अगर आपको एयरपोर्ट भी ट्रैवल करना है, कोई भी लोकेशन पे ट्रैवल करना है, भले बोरीवली साइड, साउथ साइड, या एयरपोर्ट जाना है, या मॉल्स जाना है, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, तो हर एक चीज़ इस कॉम्प्लेक्स के काफ़ी नज़दीक है। तो इट्स अ परफेक्ट प्लेस फॉर द फैमिली टू स्टे। और यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो पिंक कलर का जो आप रोड देख रहे हैं, ये गोरबंदर रोड है, जहाँ पर पीछे की तरफ बोरीवली की तरफ जाता है, और यहाँ पर आगे ये थाने की तरफ जाता है। तो प्रोजेक्ट लाइफ हब इस तरफ लोकेटेड है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, ये सारा यहाँ पर संजय गांधी नेशनल पार्क है, और ये जितने भी बिल्डिंग्स बनी है, सारे विहांग डेवलपर्स की बनी हुई है, विहांग ग्रुप की बनी हुई है, और काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल है उनका यहाँ पर। और मेट्रो लाइन जो चलेगी, वो बिल्कुल पैरेलल चलेगी इस गोरबंदर रोड से। तो मेट्रो से अगेन टू एंड फ्रो वेस्टर्न साइड, सेंट्रल साइड, कल्याण, डोंबिवली, एनी साइड, आप यहाँ से मेट्रो से आप ट्रैवल कर सकते हो। आसपास का सराउंडिंग एरियाज में और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रहा है, जैसे कोस्टल रोड्स को लेकर और फेरीज को लेकर, तो उसके वजह से इस प्रॉपर्टी का रेट भी आगे बढ़ने का चांसेस है। तो यहाँ से आपको केसर वडावली मेट्रो स्टेशन काफ़ी नज़दीक है, और गोरबंदर रोड से हार्डली 100 मीटर्स अंदर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। तो सराउंडिंग एरिया जो है, वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, और एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस एरिया। तो सबसे पहले एमिनिटीज़ में दोस्तों, आपको यहाँ पर क्लब हाउस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स, एलिवेटेड गार्डन, योगा एंड मेडिटेशन गार्डन, बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वॉश कोर्ट, मल्टीपर्पज हॉल, लाइब्रेरी एंड क्रीचे, ये सारा एमिनिटीज़ में इस प्रोजेक्ट में दिया हुआ है। और इसमें जो क्लब हाउस का जो एरिया भी होगा, वो करीबन 25,000 स्क्वायर फीट का एरिया होगा क्लब हाउस का। और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में, लाइफ हब में,
क्योंकि ये संजय गांधी नेशनल पार्क को लगकर ये प्रोजेक्ट है, तो बिल्कुल आप नेचर के नज़दीक हो। एट द सेम टाइम कोस्टल रोड बहुत जल्दी कनेक्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो क्रीक अंदर के तरफ आता है, वहाँ से जो कोस्टल रोड जो चलेगा वो बोरीवली, अंधेरी और आगे साउथ मुंबई तक कनेक्ट होगा। थाने के अंदर क्रीक जो आगे तक जहाँ तक बालकुम है वहाँ तक ये कनेक्ट होगा, और एयरपोर्ट यहाँ से डेफिनेटली आप आधे घंटे के ड्राइव के अंदर आप एयरपोर्ट यहाँ से आप पहुँच सकते हो। और पनवेल न्यू मुंबई एयरपोर्ट बहुत जल्दी बन रहा है, तो अगर आपको यहाँ से पनवेल भी अगर पहुँचना है तो 40 मिनट्स के ड्राइव पर आप पनवेल एयरपोर्ट आप पहुँच सकते हो। सराउंडिंग एरियाज में काफ़ी बड़े मॉल्स हैं, कुछ वाटर पार्क्स हैं और मेट्रो लाइंस टू एंड फ्रो हर जगह कनेक्ट हो रही है। तो थाने विल बी सेंटर जहाँ से मेट्रो विल बी कनेक्टेड टू एवरी पार्ट ऑफ मुंबई एंड फर्दर ऑफ मुंबई, जैसे डोंबिवली, कल्याण, खारघर, हर साइड थाने से ये मेट्रो लाइन कनेक्ट होगी। सो बाइंग अ होम इन लाइफ हब इज लाइक रिवॉर्डिंग अ प्रॉपर लाइफ स्टाइल विच यू रिक्वायर फॉर योर सेल्फ। हर एक फ्लैट को काफ़ी बहुत अच्छी तरह प्लान किया गया है, बहुत अच्छी तरह डिज़ाइन किया गया है ताकि फ्लैट में कोई वेस्टेज नहीं हो और आपको यहाँ पर मैक्सिमम स्पेस मिलता है यूसेज के लिए। हॉल में आपको फ्रेंच कट विंडो दिया गया है ताकि आपको प्रॉपर क्लियर व्यू मिले, राइट लाइट और प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन रहे फ्लैट के अंदर। एट द सेम टाइम वॉशरूम में जो भी फिटिंग्स वगैरह है, सैनिटरी फिटिंग्स है, सब ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स इसमें दिए हुए हैं। बेडरूम का स्पेस भी जो है काफ़ी लार्ज स्पेस है, बेड और वार्डरोब और यूनिट बनने के बावजूद भी आपको स्टडी टेबल के लिए जगह मिलती है और काफ़ी ओपन एरियाज हैं सराउंडिंग एरियाज में। एट द सेम टाइम किचन इज ऑल्सो वेल प्लान्ड किचन। तो USP अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखेंगे तो इट इज 2 मिनट्स फ्रॉम हार्ट शेप लेक, गौनीवाड़ा मेट्रो स्टेशन, केसर वड़ावली मेट्रो स्टेशन, अपकमिंग फेरी स्टेशन, धनवंतरी हॉस्पिटल, वेदांत हॉस्पिटल, मैकडोनल्ड, बिग बाजार, हाइपर सिटी, डी कैथलॉन, जी कॉर्प एंड न्यू होराइजन स्कूल एंड कॉलेज एंड 2 मोर, सरस्वती स्कूल एंड कैम्ब्रिज इंटरनेशनल प्री स्कूल एंड 8 मिनट्स फ्रॉम प्रताप सरनायक इंटरनेशनल स्कूल, यूरो स्कूल, AP शाह स्कूल, ज्ञान गंगा कॉलेज, मुछला पॉलिटेक्निक एंड HM, पर्शुनाथ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सूरज वाटर पार्क, एल्विस बटरफ्लाई गार्डन, डोमिनोज, क्रूज रेस्ट्रो गायमुख, डीमार्ट, TCS हीरानंदानी एस्टेट, क्यूराई हॉस्पिटल एंड गायमुख फेरी स्टेशन। और 12 मिनट के डिस्टेंस पे अगर आप देखेंगे तो टिकुजनीवाड़ी, जेवियर स्कूल, आर मॉल, पुरम मॉल, विवानिया मॉल, प्रपोस्ट थाने बोरीवली टनल, बेथानी हॉस्पिटल, मेट्रोपोल हॉस्पिटल, जुपिटर हॉस्पिटल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एंड ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। और 20 मिनट के डिस्टेंस पे अगर आप देखेंगे तो थाने स्टेशन, और 20 मिनट के डिस्टेंस पे अगर आप देखेंगे तो थाने स्टेशन, बोरीवली स्टेशन एंड मीरा रोड स्टेशन। तो ये सारा USP है दोस्तों इस प्रोजेक्ट का। तो फाइनली दोस्तों आते हैं यूनिट प्लान के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे टिपिकल फ्लोर प्लान है जिसमें एक ही विंग है, पर वैसे तो लो डेंसिटी बिल्डिंग है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर इस तरफ 4 फ्लैट दिया गया है और दूसरे तरफ 4 फ्लैट दिया गया है, सिर्फ पैसेज जो है वो कनेक्टेड है। तो अगर ये पैसेज कनेक्ट नहीं किया जाए तो इसको ये हो जाता है 2 विंग, पर क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से 2 स्टेयरकेस देना होता है तो इसके लिए इसको एक ही विंग दिखाया गया है या पैसेज ज्वाइंट करके। तो इसका मतलब दिस इज लो डेंसिटी बिल्डिंग, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट विच इज़ वेरी इजी टू मेंटेन और यू गेट मोर स्पेस टू यूटिलाइज, योर लिफ्ट इज नॉट मोर ऑक्यूपाइड एंड यू कैन एंजॉय ऑल द एमिनिटीज ऑफ द क्लब हाउस एंड वट एवर द एमिनिटीज आर गिवन इन द बिल्डिंग। तो यहाँ पर 1 BHK का जो यूनिट है 430 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है,
जिसमें आप देखेंगे एक कॉमन वॉशरूम है और एक बेडरूम के साथ अटैच्ड है, और किचन में यहाँ पर दोनों तरफ प्लेटफॉर्म दिया गया है, प्लस यूटिलिटी स्पेस दिया गया है जहाँ पर आप वॉशिंग मशीन रख सकते हो, और किचन में अंदर की तरफ यहाँ पर फ्रिज रखने के लिए भी जगह दिया गया है। तो 430 कारपेट एरिया का प्राइस है 54,80,000, और उसी तरह 2 BHK जो है 624 कारपेट एरिया है, जिसमें यहाँ पर भी किचन में आपको ड्राई बैल्कनी मिलती है, यूटिलिटी स्पेस मिलता है, पर हॉल में हल्का सा एल शेप दिया गया है जहाँ पर डाइनिंग स्पेस आपका एक साइड में रह जाता है, और बेडरूम अटैच्ड है, एक वॉशरूम कॉमन है, काफ़ी वेल डिज़ाइन 2 BHK है, और इसका जो प्राइस है वो 81,90,000 है, और इसमें जो पेमेंट होगा वो कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान होगा। अगर आप सबवेंशन स्कीम में जाना चाहते हो तो 1090 सबवेंशन स्कीम में भी आप जा सकते हो, जो कि 1090 स्कीम रहेगा, 10% आपको अभी पे करना है और 90% एट द टाइम ऑफ पोजिशन। और दूसरा एक पेमेंट प्लान है जिसमें 5% अभी आपको पेमेंट करना है और 95% एट द टाइम ऑफ पोजिशन। दोनों अलग अलग कंपनी से, एक बजाज से है, दूसरा एक LIC से है, जो कि प्रोजेक्ट के साथ टाई अप है। तीसरा स्कीम भी है इनके पास जहां पर कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान में आएगा वो, कि आप 2% अभी पे कीजिए, 4% आप थोड़े दिनों बाद पे कीजिए, फिर नेक्स्ट 4% आप थोड़े दिनों बाद पे करके आप 10% पूरा कर सकते हो, और उसके बाद आप चाहे तो कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान में जा सकते हो या तो सबवेंशन स्कीम में भी जा सकते हो। पर डेफिनेटली अगर आप सबवेंशन स्कीम में जाते हो तो कॉस्ट पे थोड़ा सा फर्क होगा। तो फाइनली दोस्तों, पोजीशन इस बिल्डिंग का है जून 2026 में। तो दोस्तों, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल, because sharing is caring, and see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye, take care.